हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट का रिजल्ट आप सभी को भली भांति पता है और इसको दोस्तों लेकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई बताने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। यानी अगर हम 100% की बात करें, 100% विद्यार्थियों में से 90% विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट या फेल कर दिया गया है और केवल 10% विद्यार्थी ही प्राइवेट कैंडिडेट जो थे क्लास 10 और क्लास 12 सीबीएसई वो पास हुए। और विद्यार्थियों के साथ जो भेदभाव हुआ है या उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, इसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, एक रिट दायर किया गया था कुछ एडवोकेट, अगर हम बात करें ममता शर्मा मैम और कुछ अन्य लोगों द्वारा जो याचिका दायर की गई थी। और उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली, सुप्रीम कोर्ट उस पर हेयरिंग करने वाला था। और याचिका किसको लेकर थी कि सीबीएसई जो है प्राइवेट कैंडिडेट का जो 30, 30 और 40 का जो फॉर्मूला है उनके लिए यूज़ नहीं किया गया। और जो सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी, यानी आप सभी को पता है कि इस बार कोविड-19 की वजह से और लगातार कैंपेन चलाने की वजह से जो सीबीएसई ने क्लास 10 और क्लास 12 के सभी बच्चों की जो एग्ज़ाम वो कैंसिल कर दिए थे और जो रिजल्ट था वो मॉडरेशन पॉलिसी और 30, 30 और 40 के आधार पर बनाई गई थी। बट जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनको तो दोस्तों पास नहीं किया गया था। सीबीएसई ने पहले ये कहा था क्योंकि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके उनको लेकर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है जिसके आधार पर हम उन्हें पास कर दें। बहरहाल सीबीएसई ने उन सभी बच्चों का पेपर लिया और पेपर का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि बच्चे अधिकतर बच्चे जो फेल हैं, क्योंकि कम समय दिया गया, अचानक से पेपर लिया गया। और आप सभी को पता है कि सीबीएसई हमेशा से ही जो कंपार्टमेंट परीक्षा होती है प्राइवेट परीक्षा काफ़ी टफ लेती है और इस बार ऐसा हुआ और बच्चे जो अधिकतर फेल कर दिए गए, तो कॉपी चेकिंग सही से नहीं की गया, क्या किया गया, बट नतीजा दोस्तों विपरीत रहा है। और इसी की वजह से कुछ एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सीबीएसई को इन प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी जो मॉडरेशन पॉलिसी है 30, 30 और 40 वाली पॉलिसी को लागू करना चाहिए ताकि बच्चों को पास कर दिया जाए। बट आज हेयरिंग में कुछ खास नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को तलब किया कि भाई सीबीएसई जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने 30, 30 और जो 40 का जो फॉर्मूला है प्राइवेट विद्यार्थियों को लेकर नहीं लगाए, इसके ऊपर आप जवाब, यानी जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप को जो लगाया जा रहा है उसको आप पर नहीं, उसके लिए आपको जवाब देना है। तो इसके लिए सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख यानी 20 तारीख की जो अगली सुनवाई जो सीमा मुकर्रर की गई है, तय सीमा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बात जो सोचने वाली है, जो विचारने वाली ये है कि जब हम शिक्षा को लेकर अगर हमारी जो संस्थाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और बच्चों को न्याय के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाए, यानी हमारे देश में क्या हो रहा है, हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ कर रहा है तो बाकी संस्थाएं किस लिए, क्या बाकी संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ नाम की रह गई हैं, क्या न्याय दिलाने के लिए या बच्चों के अधिकार को प्राप्त करने के लिए या उनकी शिक्षा को बरकरार रखने के लिए हमें हर बार सुप्रीम कोर्ट पे जाना होगा, या सिर्फ और सिर्फ ये जो संस्थाएं हैं का जो न्याय बनाने, जो कानून को लागू करती है, कानून बनाने जो संस्थाएं, वो सब बेकार हो गई हैं। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि हमारा जो भारत है वो कितना अधिक न्यायपालिका पर निर्भर हो गया है और हम सब कुछ काम करते हैं बट विद्यार्थियों के उनके लिए कैरियर के लिए, चाहे रोजगार के अवसर हो, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उनमें बच्चों के रिजल्ट नहीं आते तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यानी संस्थाएं काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। खैर दोस्तों, ये तो रही बात सुप्रीम कोर्ट की कि आखिर 20 अक्टूबर को देखो क्या होता है। मैंने आप सभी से पहले कहा था कि सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, बस हेयरिंग पे हेयरिंग होगी, देखो फैसला निकल कर आने वाला नहीं। दोस्तों मेरी राय, मेरी ये पर्सनल राय है कि देखो फैसला निकल कर नहीं आएगा, एंड द एंड ऑफ टाइम जो है सीबीएसई की बात ऊंची रखी जाएगी क्योंकि संख्या बल में कमी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता था कि और कहता रहा हूँ कि देखो एजुकेशन पॉलिसी बदलने से कुछ नहीं होता जब तक एजुकेशन पॉलिसी को लागू ना किया जाए। और जब सभी बच्चे भारत के हैं, भारत के नागरिक हैं, सभी बच्चे सीबीएसई के हैं, तो प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थियों में किस प्रकार का भेदभाव, कैसा भेदभाव, प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए क्या पॉलिसी क्यों लागू नहीं किया, क्या प्राइवेट विद्यार्थी जो है वो 10th पास आउट नहीं है, 11th पास आउट नहीं है, वो भी ना कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज से तो पास आउट होंगे, स्कूल से पास आउट होंगे, और जब उन्होंने अपनी अगली कक्षा के लिए एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पर उन्होंने अपनी मार्कशीट को तो सबमिट करवाया हो तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते थे, आसान तरीके से प्राप्त कर सकते, बट आपने ऐसा नहीं किया, एग्ज़ाम दिलवाया, फिर मतलब विद्यार्थियों के चक्कर पे चक्कर कटवाया जा रहा है। और मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि इस सुप्रीम कोर्ट के 20 तारीख के भी जो हेयरिंग आगे बढ़ाई गई उस पर कुछ फैसला होगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि 20 तारीख को रिजल्ट आएगा या तारीख और आगे बढ़ेगी, यानी तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जाएगी।
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सभी विद्यार्थियों को सपोर्ट कीजिए। जो भी रेगुलर कैंडिडेट है वो अपना सपोर्ट प्राइवेट विद्यार्थियों को जरूर दें, क्योंकि वो भी विद्यार्थी, उनका भी अपना कैरियर है, उन्हें भी अपने आगे लाइफ में बढ़ने के बहुत मौके चाहिए। क्योंकि अगर ये मौका उनसे छीन लिया जाए तो उनका कैरियर बहुत दोस्तों खराब हो सकता है। तो प्लीज़ प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए कैंपेन चलाइए, उनके लिए सपोर्ट कीजिए। जैसे आप सभी ने एग्जाम को कैंसिलेशन करने अपने आप को सपोर्ट करवाया था, ठीक ऐसे ही प्राइवेट विद्यार्थियों को लेकर भी सपोर्ट कीजिए। सभी बच्चे, सभी छात्र, चाहे किसी भी राज्य से हैं, सभी छात्र चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, इन सभी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सपोर्ट जरूरी है आप सभी का। यही इस वीडियो के माध्यम से मुझे दोस्तों कहना था। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हर एक बच्चे, हर एक विद्यार्थी तक वीडियो पहुँचे, और विद्यार्थी तक पहुँचे वीडियो तभी दोस्तों आगे तक बात पहुँचेगी। तो प्लीज़ शेयर इस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।